अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। शिरौनी में विरंगुला केंद्र का शुभारंभ, मेयर जयवंत सुतार ने किया उद्घाटन, वरिष्ठ नागरिकों ने जताया आभार। शिरवंडी के प्रभाग क्रमांक 81 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा युक्त विरंगुला केंद्र का शनिवार को शुभारंभ हो गया। महापौर जयवंत सुतार ने उद्घाटन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लंबे समय से वरिष्ठ नागरिक इसकी मांग कर रहे थे। महापौर ने भरोसा दिलाया कि शिरवंडी समेत नवी मुंबई के जिन जिन इलाकों में नागरी विकास की जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने प्रभाग के वरिष्ठ नागरिकों से विरंगुला केंद्र का लाभ उठाने का आह्वान भी किया। इस शहर में पहली संकल्पना जो ज्येष्ठ नागरिक विरंगुला केंद्र निर्माण करने का प्रयास नई मुंबई महानगर पालिका ने जब लिया, तभी से मुझे दिल में था क्या अपना भी गांव में ज्येष्ठ विरंगुला केंद्र होना चाहिए। ये जो बहुद्देशीय इमारत है इसमें विरंगुला केंद्र निर्माण करने का काम हुआ और हमारे ज्येष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष पंडरीनाथ पाटिल हो, उनको मदद करने वाले डॉक्टर राजेश पाटिल को, इन्होंने बार बार मांग की थी, आज वो मांग पूरा करने में कामयाब हुआ, इसका निश्चित तौर पे मुझे गर्व है। भी ज्येष्ठ नागरिक का भी जो विरंगुला केंद्र आज निर्माण हुआ है, मेरे ख्याल से ये ग्रामीण भाग का विरंगुला केंद्र पहला होगा और आज मुझे संतुष्ट मैं हूँ कि ज्येष्ठ नागरिक को सम्मानित करना और उनको एक साथ में लाने के लिए जगह निर्माण करने का मुझे अवसर मिला और उसमें कामयाबी मिली। मैं ज्येष्ठ नागरिक लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आबादी बढ़ने के बाद या गांव में सेवरेज लाइन वो भी कम क्षमता की है, उसको भी फ्यूचर में आगे बढ़ाना है। अभी फ्यूचर में निश्चित तौर पे इस शहर के शिल्पकार लाडला गणेश जी नाइक साहब और एक कारपोरेटर करके और मेयर करके नया मुंबई का डीपी प्लान हमने मंजूर करवाया है, उसका पारित होने वाला है, तभी इस शहर का जो रोड और जो उसको एपीएसआई बढ़ा के गांव का पुनर्स्थापना करने निश्चित उसका फायदा होएगा और एक अच्छा शहर बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। वही कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद भाजपा के महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटिल ने विरंगुला केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन के लिए उपलब्ध कराई गई टीवी, खेल उपकरण एवं पुस्तकालय जैसी सुविधाओं के लिए महापौर का आभार जताया। गांव का एक संघ, ज्येष्ठ सीनियर सिटीजन का एक संघ बना और वो संघ को बैठने के लिए जगह भी नहीं था, लेकिन यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर और अपने हमारे गांव के ही सुपुत्र यहाँ के नवी मुंबई के मेयर हैं जयवंत जी सुतार साहब, उन्होंने जिस तरीके से संघ बना तुरंत इन्होंने यहाँ पे उनको एक बैठने के लिए एक विरंगुला केंद्र की तैयारी की कॉरपोरेशन की तरफ से। आज यहाँ पर उनको जगह मिली है, सिर्फ यहाँ पे जगह नहीं दी, विरंगुला केंद्र में यहाँ पे बहुत सुविधाएं यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे किसी किसी सीनियर सिटीजन को एक अपनी कला उनके उनमें होती है, किसी को पढ़ने की आदत है, किसी को खेलने की आदत है, किसी को कैरम की आदत है, किसी को बुद्धि बल अच्छा लगता है, जो भी उनको अच्छा लगता होगा टीवी से लेकर के सब सुविधाएं यहाँ पे उन्होंने कॉरपोरेशन की तरफ से उपलब्ध की है। यहाँ पे सिक्योरिटी सब रखी हुई है, इतनी सब सुविधाएं देखते हुए यहाँ पे हम लोगों को हर्ष हो रहा है और प्राउड फील हो रहा है कि मेरे गांव के ज्येष्ठ नागरिक जिनके लिए जो जो किसी किसी कट्टे के ऊपर बैठ रहे थे, किसी के घर के आजू बाजू में बैठ, आज उनके उम्र के हिसाब से उनके साथ किसी के बोलने के लिए कोई नहीं है, लेकिन ज्येष्ठ नागरिक एक साथ में बैठ के आपस में यहाँ पर अच्छी तरह से तालमेल रख के अपना
और लाइफ अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, अपने हेल्थ अच्छी तरह से बना सकते हैं, ऐसे अलग अलग सुविधा उनको अच्छी तरह से मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे उर्मिला केंद्र बन रहा है। हमारे मेयर जिन्होंने यहाँ पे तत्परता दिखा के अच्छी तरह से उर्मिला केंद्र यहाँ इनको दी है, उनको पहले मैं धन्यवाद दूंगा। और यहाँ पे अच्छी तरह से केंद्र बना है, अच्छा चलेगा ऐसा विश्वास रखता हूं। इस कार्यक्रम में पूर्व नगर सेविका माधुरी सुतार, वरिष्ठ समाज सेवी जयेंद्र सुतार, समाज सेविका निर्मला जयवंत सुतार, नगर सेविका श्रद्धा गवस समेत तमाम पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।